Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you.
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा थैंक यू सो मच आज के सत्र में आप लोगों का आने के लिए हरे कृष्णा। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम हमेशा छोटा सा भजन गाएंगे जय राधा माधव और उसके बाद जो आचार्य गण है और वैष्णव गण को प्रणाम करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर पीजन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रजन रंजन यशोदा नंदन व्रजन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना जय राधा
चरण करेंगे, आचार्य और वैष्णव को प्रणाम करेंगे। ओम अज्ञानत तिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदे अहम श्री गुरु श्री उद्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सागन रघुनाकान्वितम तम सजीवम सावदैतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान विदांश। अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शिलजीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंदा के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को और श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तकिया देती हूँ, मैं तकिया पर लटा दूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के साथ दृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राधा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं कल्प वृक्ष के समान
सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु शिव प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आज के हमारे 6th चैप्टर के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम ध्यान योग के बारे में जानेंगे कि भगवान जो है ध्यान योग के बारे में क्या जो है डिस्कशन कर रहे हैं, अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं और किस तरीके से उनके बीच में वाद विवाद है। उससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है 5th चैप्टर में और थोड़ा सा बाकी, हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं उसके लिए। Sorry, some technical problems. Hare Krishna. So, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स डिस्कस करे जो है सेटिंग द सीन, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था किस तरीके से कुरुक्षेत्र में जो है सीन सेटिंग का, किस तरीके से दुर्योधन का मनोभाव था और बाकी सब किस तरीके से अर्जुन जी को जब दोनों टीम्स हैं उनके बीच में लेके कृष्णा लेके जाते हैं तो उनका क्या मनोभाव हो जाता है और किस तरीके से वो है दुविधा अपनी व्यक्त करते कृष्णा को। फिर जो है सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरीके से जो अर्जुन है बताता है कि मैं अपने आप को इस दुविधाओं से नहीं निकाल पा रहा, दैट इज और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, आपका शिष्य हूँ और आप एज ए गुरु मुझे आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं इस स्थिति में ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। इसमें भगवान ने पूरी भगवद गीता एक कंटेंट ऑफ गीता समरी पूरी बताई जिसमें भगवान ने सोल के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, हर चीज के थोड़ा मेनली जो था वो सोल के बारे में बताया और बाकी चीजों को थोड़ा थोड़ा जो है टच किया भगवान ने। फिर भगवान ने तीसरे में बताया कि किस तरीके से तुम जो है युद्ध करो, दैट इज योर कर्म, और कर्म योग के बारे में एक्सप्लेन किया। फिर भगवान ने बताया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में 4th चैप्टर में, और जो हमने लास्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज अ कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहां पर जो है जो कृष्ण जो अर्जुन ने अपने एक डाउट रखा कि क्या बेटर है, संन्यास बेटर है या जो काम करा जाए भक्ति के साथ भक्ति में काम बेटर है। फिर भगवान ने उत्तर दिया उनको कि दोनों ही एक ही स्तर के हैं, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो दोनों से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो काम जो है भक्ति में काम किया जाता है उससे उसको बेटर है, जिसमें भगवान ने निष्काम कर्म को एक्सप्लेन किया। और फिर ये भी बताया कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, यानी कि भगवान जो हमारे चेतना है वो भगवान में रहती है, कृष्णा में रहती है, तो हमारा कैसा नजरिया बन जाता है, जिसमें भगवान ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक जो कमल है, कमल के पत्ते के ऊपर जैसे जल है पानी है उसको छू नहीं पाता है ना,
कभी भी उसको आप पानी से गीला नहीं कर सकते कमल के पत्ते को, हमेशा वो एक बूंद की तरह फैलता रहेगा, उसका उसकी जो सतह है वो इस तरीके से बना हुआ है। तो भगवान वहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस में रखता है तो किस तरीके से जो ये हमारा शरीर है, नौ द्वारों से बना हुआ शरीर है, इसमें रहते हुए भी इससे इफेक्ट नहीं होगा। फिर भगवान ने 27 और 28 श्लोक पे कुछ भगवान ने टच किया, अष्टांग योग के बारे में बताया कि किस तरीके से अष्टांग योग के द्वारा जो है तो जो तुम अपने आप को मुक्त कर सकते हो, है ना, इससे अपनी इच्छाओं से, अपने भय से, अपने जो गुस्सा है उससे, और उससे तुम लिबरेट हो सकते हो, उससे तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। फिर अंत में जो है फिर भगवान ने थ्री पीस फॉर्मूला बताया था, है ना, जिसमें भगवान बताया था कि भोक्ता राम यगत तपस्ताम सर्वलोक महेश्वरा सुहृदयम सुभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। किस तरीके से अगर जो ये तीन चीजें जान लेता है कि मैं ही सुप्रीम प्रोप्राइटर हूँ हर चीज का, मैं ही सुप्रीम हूँ, और सुहृदयम की सभी का जो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा चाहने वाला मित्र जो हूँ मैं ही हूँ, अगर ये सब लोग जान लेंगे तो उसको क्या शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम इसी बेसिस पर जो है हम लड़ाई करते हैं। अब जो है भगवान अगले जो चैप्टर है जिसको हम जिसका नाम जो है ध्यान योग है, ध्यान योग में भगवान जो जिसमें भगवान ने 27 और 28 श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा टच किया था अष्टांग योग के बारे में, अब भगवान जो है अष्टांग योग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट भगवान ये जानते हैं कि क्यों ऐसा भगवान ने अष्टांग योग को बाद में बताया और निष्काम कर्म को पहले बताया, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति निष्काम कर्म करना ही नहीं सीखेगा तब तक वो अष्टांग योग या जो भक्ति है, जो जो योग है, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक कहते हैं एक प्रिलिमिनरी है और एक फाइनल है, एक एक लोअर लेवल, एक इजी लेवल है, फिर देन डिफिकल्ट लेवल पे जा सकता है। तो इसीलिए भगवान जो है निष्काम कर्म को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब जो है भगवान जो है अष्टांग योग के द्वारा बताएंगे किस तरीके से अष्टांग योग किया जा सकता है, और उसी में बताएंगे कि अष्टांग योग जो है इस चैप्टर में भगवान बताएंगे जैसे कि जस्ट शेयर द स्क्रीन, हरे कृष्ण, सो इसमें जो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले भगवान सबसे पहले बता रहे हैं क्योंकि कि योगा का योगा मतलब तक पहुंचने के लिए भगवान बता रहे हैं आपके मन के बारे में, बता रहे हैं कि मन की स्थिति बता रहे हैं कि मन कैसे हैं, जो हम 1-9 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो हमारा मन क्या है, हमारा दुश्मन भी है और हमारा मित्र भी है, उसमें भगवान एक्सप्लेन कर सकते हैं करेंगे किस तरीके से जो हमारा मन है वो किस कंडीशन में हमारा मन जो है हमारा दुश्मन है और किस कंडीशन में हमारा जो है मित्र है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर भगवान अष्टांग योग के बारे में बताएंगे कि अगर किसी को अष्टांग योग करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। फिर भगवान जो है अंत में बताएंगे कि उसका डेस्टिनेशन, अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता या कुछ जो ऐसा करता है और नहीं कर पाता तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर भगवान जो है अंत में जो है वो है बताएंगे कि जो सबसे टॉप मोस्ट योगी है वो कौन है, उसके बारे में अंत में भगवान बताएंगे, जिससे कि हम आगे फिर चैप्टर में उसके कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान लास्ट में बिल्कुल बताएंगे टॉप मोस्ट योगी कौन है, जब जो अर्जुन है अपनी दुविधा बताएगा कि जो ये जो आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो अष्टांग योग का, ये कि मेरे लिए करना कितना मुश्किल है, तो फिर उसके बाद जो है भगवान बताएंगे कि किस तरीके से जो टॉप मोस्ट योगी कौन है। तो आज हम बहुत सारा कुछ जानेंगे, स्पेशली जो है अपने मन के बारे में जानेंगे, और फिर ये भी जानेंगे किस तरीके से आप अपने मन को दुश्मन या मित्र में कन्वर्ट कर सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो पहले ही श्लोक में भगवान जो है वो बता रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क एंड हु वर्क एज हिज ऑब्लिगेशन इज रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, ही इज अ ट्रू मिस्टिक, नॉट ही हु लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म नो ड्यूटी। तो यहाँ पर अगेन जो है भगवान, क्योंकि अभी अष्टांग जैसे मैंने बताया कि अष्टांग योग एक्सप्लेन करने से पहले जो है भगवान क्या बता रहे हैं, निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जो जैसे हमने जाना था कि निष्काम कर्म क्या है, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हम एज अ ड्यूटी करें। क्या फर्क है हम एक ड्यूटी और ड्यूटी का मतलब है कि मैं जैसे कि एक माँ है वो अपने बच्चे की केयर करती है एज अ लव और एज अ ड्यूटी ऑल्सो, या फिर अपने घर की केयर करती है,
वो ये नहीं कहती अच्छा मुझे मुझे इतने पैसे चाहिए इसके लिए, मैंने इतना काम किया। बट जो वर्कर आता है बाहर या जो जो भी मेड आती है वो पैसे मांगते हैं, बट जो घर में घर के सदस्य हैं उनको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे मुझे अपने बच्चों की केयर करनी है, मुझे अपने हस्बैंड की केयर करनी है, मुझे मेरे रिलेटिव्स और फैमिली की केयर करनी है, वो एज अ ड्यूटी है, उसमें हम कोई रिजल्ट नहीं मांगते। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, एज अ ड्यूटी करनी है, दैट इज अ निष्काम कर्म, जिसमें जो है आपको फल की जो है इच्छा नहीं करनी है बिल्कुल भी। और भगवान क्या कह रहे हैं, वर्क एज ही इज ऑब्लाइज इन अ रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, और कि इस तरीके से काम करना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर हम कुछ भी भगवान के लिए करते हैं तो वो क्या है, वो संन्यास है एक्चुअली, हम उस चीज से कनेक्ट नहीं होके करते हैं या कनेक्ट होके करते हैं तो वो रिनाउंस नहीं है। तो रिनाउंस का मतलब ये नहीं है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि सब चीजें छोड़ देना, और फिर क्या कह रहे हैं भगवान कि ही हु लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म नो ड्यूटी, वो ये बेटर है किससे, जो कि कुछ काम नहीं करता, उससे बेटर क्या है, जो काम करता है, और काम किस वे में करता है, भगवान को समर्पित करते हुए निष्काम करता है। फिर जो भगवान है अगले श्लोक में बता रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड अ रेनन्सिएशन यू शुड नो टू बी द सेम एज योगा, है ना। अब भगवान जैसे संन्यास, भगवान ने लास्ट चैप्टर में पूरा संन्यास और वर्क एंड डिवोशन के बारे में बताया, निष्काम करके बनाया जाए। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जो संन्यास की तुम बात कर रहे हो वो संन्यास क्या है, एक्चुअली इज द सेम एज अ योगा। योगा मतलब क्या है, जैसे हमने हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, योगा मतलब कि भगवान से जुड़ना, योग है ना, और लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम। और सन ऑफ पांडू फॉर वन कैन नेवर बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई भी योगी नहीं बन सकता, कब तक योगी नहीं बन सकता या कब तक सन्यासी नहीं बन सकता, जब तक कि उसकी जो इच्छाएं हैं, है ना, इच्छाएं किस चीज की इच्छाएं, अपने भोग की इच्छाएं कि ये मेरे लिए है या मुझे मुझे ये चाहिए, वो इच्छाओं को का से सन्यास नहीं ले लेता, ही सेइंग ही उससे सन्यास नहीं ले लेता, तब तक जो है वो क्या है, वो योगी नहीं कहलाएगा। इसमें प्रभुपाद एक बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे एक कितना अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना, एक अर्जुन है और अर्जुन क्या है, एक फाइटर है, ही इज अ फाइटर, क्षत्रिय है और उसका काम क्या है, लड़ाई करना। और भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम उस स्थिति में लड़ाई करते हो योगी बन सकते हो, लेकिन हम लोगों की अभी तक की अंडरस्टैंडिंग क्या है, योगी मतलब कि एक जगह पर बैठ जाना, आंखें मूंद लेना और ध्यान में मग्न हो जाना, और ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम फाइटर भी हो अर्जुन, तुम लड़ो, है ना, और क्या लड़ो, योगी बन के लड़ो, है ना। कितना अजीब सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कि फाइटर और योगी, ना हम सोचते हैं योगी मतलब कि जो भी है, एक हम बोले कि एक मिलिट्री पर्सन है और उसको बोले तुम योगी बन जाओ, तो वो सोचेगा अच्छा मुझे योगी बनना है तो मुझे पहले रिजाइन करना पड़ेगा अपनी जॉब से, फिर मैं हिमालयस की चोटी पे जाऊंगा या कोई ऐसी शांत जगह ढूंढूंगा जहां पर मैं अपनी तपस्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में भी भगवान ने बोला कि उठो, फोर्थ चैप्टर में भी बोल रहा था भगवान ने एक बार बोला था कि उठो अर्जुन युद्ध करो, और फिर फिफ्थ चैप्टर में बोला उठो युद्ध करो, और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, योगी बनो, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये एक मिस्ट्री है भगवद गीता की, बहुत बड़ी मिस्ट्री क्या है कि किस तरीके से जो एक व्यक्ति है अपना कार्य करते हुए योगी बन सकता है और टॉप मोस्ट योगी बन सकता है। भगवान अभी जैसे हम जब तक एंड में पहुंचेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरीके से कोई 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 भी कार्य करता हुआ टॉप मोस्ट योगी बन सकता है, हाईएस्ट सन्यासी बन सकता है, लेकिन उसे अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द मिस्ट्री ऑफ एक्चुअली भगवद गीता, किस तरीके से आप अपनी ड्यूटीज करते हुए, आप अपने कार्य करते हुए एक योगी बन सकते हो, एक टॉप। और ऐसा नहीं है कि अभी हम और जानेंगे, जब हम लेवल्स के बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे कि टॉप मोस्ट योगी कौन है, और फिर जानेंगे कि बाय द मर्सी ऑफ आचार्यस, बाय द मर्सी ऑफ जो गुरु है और उसकी जो जो जितने महाप्रभु है उनकी मर्सी से किस तरीके से हम बहुत आसानी से जो है टॉप मोस्ट योगी सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये सीक्रेट क्या है कि हम जो है, अगर हम सिंपली क्या करना है, हमें कृष्ण के लिए लड़ना है, कृष्ण के लिए काम करना है, कृष्ण के लिए खाना है, कृष्ण के लिए सोना है, सब कुछ जो है कृष्ण के लिए करते हुए हम अगर कुछ भी करेंगे तो हम क्या बन सकते हैं, टॉप मोस्ट योगी बन सकते हैं।
और यही एक सीक्रेट मंत्रा है किसका, भगवद गीता का, जो कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अगर मेरे लिए युद्ध करोगे तो किस स्तर पर तुम पहुंच सकते हो उसके लिए। फिर तीसरे श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, थोड़ा सा बता रहे हैं। One for who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be means, and for one who is already elevated in yoga, seizing all the material activities is said to be the means. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से अष्टांग योग क्या है, एक लेडर के समान है, एक जो है उसमें एक क्या है, जैसे अगर हम लोगों को 12th क्लास में चाहते हैं कि बच्चा 12th क्लास में पढ़े, फिर हम उसे नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं, नर्सरी में एडमिशन के बाद वो धीरे 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 सारे क्लासेस को कवर करता हुआ 12th क्लास तक पहुंचता है। इसी तरीके से जो है अष्टांग योग, उसमें भी यहाँ पर भक्ति में क्या, जिससे जो हम योगा की बात करते हैं तो उसमें भी क्या है, लेडर्स हैं, उसमें भी स्टेप्स हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे कि उनके क्या लेडर्स हैं। उससे पहले जो है नेक्स्ट हम देखेंगे जो फिफ्थ श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अष्टांग योग, अष्टांग योग से बात करते करते भगवान क्या कह रहे हैं, वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को डिलीवर करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है उसके लिए, जो हमारा माइंड है उसको, उसकी हेल्प करना है, नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज अ फ्रेंड ऑफ कंडीशन सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। तो जो हमारा मन है ना, जो मन हम बोलते हैं, हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन वो कर रहा है, हमारा ये मन नहीं कर रहा, हमारा मन वो नहीं कर रहा, तो किस तरीके से जो ये हमारा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो तुम्हारा मन है वो एक कंडीशन सोल के लिए, जो जीवात्मा है उसके लिए किस तरीके से एक फ्रेंड भी हो सकती है और किस तरीके से एक दुश्मन भी हो सकती है ना। जैसे हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं ना, वो दिखाते हैं, दो करेक्टर्स दिखाते हैं, एक काला और जिसके सिंग होते हैं, है ना, और एक बड़ी सैंटली पर्सन दिखाते हैं जिसके ऊपर चक्रा होता है। तो यही यहाँ पर एक्चुअली, हाँ मुझे लगता है कि मेजर कंसेप्ट उन्होंने यहीं से लिया है, वो हमारा माइंड ही है एक्चुअली, दो वेज में है, एक जो काला है जिसके सींग है, और जो एक जो वो क्या है, हमारा एनिमी है, और एक जो सैंटली है जिसके ऊपर रिंग है एंड इज वेरी सैंटली पर्सन। सो भगवान, तो कैसे हम इसको कंट्रोल, कैसे हम अपने जो दिमाग, जो मन है उसको अच्छा बना सकते हैं बुरा से ना, किस तरीके से हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है। अभी क्या है, हमें लगता है कि हम माइंड को कंट्रोल करते हैं, बट मन हमारे को कंट्रोल करता है, नहीं तो हमारा मन ये कर रहा है खाने का, हमारा मन वो कर रहा है, अच्छा हमारे मन ने ये कहा, हमारे मन ने वो कहा। और आगे किस तरीके से भगवान बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको अपना एनिमी बन जाता है वो हमारा, और किस तरीके से हमारा मित्र बन जाता है। तो कैसे बनता है उसमें, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि हम इट्स लाइक दो डॉग्स की तरह, हम जिसको जितना ज्यादा खाना खिलाएंगे वो उतना पावरफुल होगा और उतना हमारे ऊपर भौंकेगा, मतलब कि कंट्रोल करेगा हमें। अगर हम ईवल वालों को ज्यादा खाना खिलाएंगे तो वो हमारा ईवल पार्ट जो है हमारे ऊपर ओवरलोड करेगा, और अगर हम सैंटली वाले को ज्यादा खाना खिलाएंगे तो वो सैंटली वाला हमारा जो है इम्पैक्ट करेगा हमारे माइंड के ऊपर। तो भगवान सिक्स श्लोक में क्या कहते हैं, फॉर हिम हु कॉन्कर्स द माइंड इज द बेस्ट एनिमी। तो जैसे मैंने कहा कि हम अगर सैंटली वाले माइंड को ज्यादा खाना खिलाएंगे तो वो हमारा फ्रेंड है, एंड ही विल बी, हम अपने जो भी पाथ में है इजिली मूव कर सकते हैं आगे। और जो बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन ग्रेटेस्ट एनिमी। और अगर वो उसको खिलाने की जगह दूसरे को खाना खिलाएगा तो क्या होगा, वो उसका ग्रेटेस्ट एनिमी बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार जो है लोग बहुत गलत काम करते हैं और फिर बोलते हैं कि ओ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो डेविल माइंड को है वो बहुत फीड कर रहे हैं और फिर वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है डेविल माइंड को। यहाँ पर जो है एक वर्ड यूज हो रहा है आत्म, है ना, बुद्धिर आत्म आत्मनस्य तस्यः। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोगों के पास डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, ऐसे संस्कृत की भी डिक्शनरी है जिसको निरुपुटः बोला जाता है। उसके अंदर क्या है, जो आत्म है, आत्म को तीन तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, बॉडी, माइंड और सोल के साथ। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये आत्मा वर्ड है ये माइंड के लिए है ना। एक है कि किसी को पता ही नहीं आत्मा के बारे में तो वो बोलेगा
मी मतलब माय माय बॉडी है ना, कोई बोलेगा नहीं मी मतलब माय बॉडी नहीं माय माइंड एक्चुअली, क्योंकि मैं उसी हिसाब से सोचता हूँ, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ, तो मी मीन्स माय माइंड। कुछ बोलेगा जिसको आत्मा का ज्ञान है वो बोलेगा मी मीन्स माय सोल। सो यहाँ पर जो है कृष्णा बता रहे हैं माइंड के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पर आत्मा का वर्ड सोल नहीं है इसमें, आत्मा का वर्ड क्या है माइंड। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसे कंट्रोल करेंगे तो वो फ्रेंड है, अगर वो कंट्रोल नहीं है तो जो वो है फ्रेंड नहीं है। तो इस किस तरीके से है, इस ये इस तरीके से है जैसे एक मशीन होती है ना, अगर वो मशीन अनकंट्रोल्ड, अगर वो कंट्रोल्ड है तो वो हमारा काम सही से करेगी है ना, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो क्या होगा हमारे से काम जो है सही से नहीं करेगी। सो इसके लिए मैं जस्ट वांट टू शो यू स्मॉल फनी सी वीडियो कि किस तरीके से जो माइंड है हमारा एक मशीन की तरह है, अगर वो कंट्रोल्ड है देन वी गेटिंग वॉट एवर वी आर सेइंग, बट द सेम थिंग वी विल नॉट गेट इफ द माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड। सो आई जस्ट शेयर द वीडियो। ओके जस्ट अ मिनट। Something I just find difficult to control this system actually. Sorry. So it's we have also seen the Charlie Chaplin always, but this is a very innovative way to see the mind with the machine which he is representing actually. So I'm just sharing. Sound was not there, sorry. I'm just sharing the sound also. तस्य येन मैवापनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुः।
हरे कृष्ण. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल फनी वीडियो व्हिच इज शोइंग एक्चुअली किस तरीके से माइंड अगर हमारे कंट्रोल में, जिस तरीके मशीन वॉज कंट्रोल, तब तक हम जो वही काम जो है अगर अनकंट्रोल है, सेम काम है तो वो सही नहीं है. अगर बट इट्स अंडर कंट्रोल देन इट्स ओके. सो दिस इज द टू व्हिच द भगवान जो है यहाँ पर समझा रहे हैं माइंड के बारे में बेसिकली, कि किस तरीके से जो है माइंड हमारा फ्रेंड है और माइंड ही हमारा जो है एनिमी है. सो क्या क्या चीजें जो है किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो हमारा फ्रेंड है. फ्रेंड कब होगा? जब वो है हमें सही डायरेक्शन देगा, जब हमें बताएगा कि क्या हमारे खाने के लिए सही है और क्या हमारे खाने के लिए सही नहीं है, और किस तरीके से हम जो है धीरे धीरे अपने सेंसेस को जो है डिटैच कर लेंगे, और किस तरीके से हम जो है अपने भक्ति में या फिर अपने जो पाथ ऑफ लिबरेशन है उसमें आगे बढ़ पाएंगे. जैसे कि श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड देयरफॉर रिजेक्ट ऑल द बैड एसोसिएशन. सो बेसिकली माइंड माइंड पे, जैसे हमने बहुत बार बात करी है कि माइंड पे हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है किस तरीके से पड़ता है, जो हमारे जो सेंसेस हैं वो किसी तरीके से किसी चीज में कॉन्टैक्ट में आती है. क्योंकि हमारी सेंसेस किस लिए बनी हुई है? किसी भी चीज को, जैसे आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए. सो अगर वो सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, देन वॉट विल हैपन? द माइंड ऑटोमेटिकली बिकम अनकंट्रोल. सो बेस्ट वे क्या है कि जैसे हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो फ्रेंड बन जाएगा. बट हम सेंसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जब बैड एसोसिएशन छोड़ देता है और सैंडली पर्सन के साथ एसोसिएट करता है, हुज वर्ड्स आर कट ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ द माइंड. तो क्या है, जो वो सैंडली पर्सन है वो क्या बोलेगा कि नहीं ये सही है या ये गलत है. जैसे हम जैसे आई रिमेम्बर बींग अ टीचर कि बहुत बार कंप्लेंट आती थी, बच्चे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं हमारा बच्चा जो है बिगड़ रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, या जो भी है बहुत अजीब सी अनॉइंग चीजें कर रहा है. तो आप उसकी सीट बदल दीजिए, आप उसको किसी अच्छे बच्चे के साथ बिठाइए, है ना. क्यों बोला जाता था ऐसे? क्योंकि जिसके साथ आप एसोसिएट कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, और इम्पैक्ट पड़ने से क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका माइंड काम करता है ना. इसीलिए फ्रेंड का काम क्या होता है कि ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत है. और कैसे पता चलेगा, है ना, कि जब हम एक उसी अच्छे माइंड के पर्सन के साथ एसोसिएट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है. जैसे भी जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो क्या होता है कि उनकी एसोसिएशन इस तरीके से होती है, या वो ऐसा कुछ देखते हैं जिसकी वजह से उनको वो कर पाते हैं ऐसी चीजें. और जिस तरीके से जो है जो हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, लास्ट में सेकंड चैप्टर के 2.62 में पढ़ा था कि अंगातः संजायते कामः. तो क्या कह रहे, काम कैसे डेवलप होती है? जैसे मैंने बताया कि जब सेंसेस किसी कॉन्टैक्ट में आती है, उस कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो हमारी जो डिजायर्स है वो डेवलप होती हैं. और वो डिजायर्स क्या है? हमारी जो लस्ट जिसे बोला जाता है, लस्ट इज नॉट अबाउट वन टाइप ऑफ डिजायर, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डिजायर. इट कुड बी कि हमें कुछ खाना है, इट कुड बी हम लोगों को ये चीज चाहिए, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ लस्ट. और अगर लस्ट पूरा नहीं होता तो उससे क्या होता है कि जो है आपका जो है क्रोध डेवलप होता है ना, काम से क्रोध डेवलप होता है अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते. तो अब अगर हम वही कर रहे हैं कि अगर हम जो अपने सेंसेस है उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा माइंड क्या बन जाएगा? हमारा एनिमी बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? क्योंकि नाउ अब वो हमें एजिटेट करेगा, हमारे डिजायर्स को डेवलप करेगा, और डिजायर्स जब पूरी नहीं होगा तो हम उसकी वजह से हमें गुस्सा आएगा. तो हमारा जो एनिमी है क्या करेगा, हमको सिंपल डिजायर्स के लिए मोटिवेट करेगा, हमको इरिटेट करेगा, हमें एजिटेट करेगा, हमें मिसगाइड करेगा, हमें और कहेगा नहीं ये चीज चाहिए चाहिए, और अटैचमेंट्स हमारी बढ़ाएगा, और उससे क्या होगा, हम और हमारा जो स्तर है वो जो है वो गिरता चला जाएगा. तो और फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, जब हमारा जो माइंड हमारा जो दुश्मन बन जाता है तो क्या होता है, हमारी जो स्मृति है वो क्या है, स्मृति विरलभम, बल्कि स्मृति जो है वो खो जाती है. हमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, हमें ये भी नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उससे क्या होता है, लोग अपना टेम्परमेंट जो है लूज कर जाते हैं. जैसे मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें एक बहुत अच्छा एक एक्टर था, एंड ही यूज्ड टू अर्न अ लॉट. तो उसके फादर के साथ, फादर जो है वो बहुत एजिटेट हो गए कि तुम जो पैसे मुझे दे रहे हो वो बहुत कम दे रहे हो, तुम्हें ज्यादा पैसे देने चाहिए. और वो बहुत यंग था बच्चा जो जो इनैक्ट कर रहा था. और
एक दिन फादर का इतना अनकंट्रोल हो गया कि मुझे तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, ज्यादा ज्यादा दो मुझे पैसे, और दो पैसे और दो, और ही शूट दैट हिज ओन सन। सो और उसके बाद क्या होता है कि वो लेमेंटेट कर रहा, क्योंकि उस टाइम पर उसकी सेंसेस ने उसको ओवर रूल किया, जिसकी वजह से क्या होगी उसकी बुद्धि जो है वो खत्म हो गई, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी कि जो ये बच्चा है ठीक है अभी मुझे पैसे नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पैसे देगा तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। और उसने क्या किया कि उसको शूट कर दिया, और जो जितना पैसा मिला था वो भी मिलना बंद हो गया, एंड ही इज इन अ जेल नाउ। और बाद में वो सोच रहा है कि ओह मैंने ऐसे क्या किया, ये क्योंकि उतना, क्योंकि ये जो हमारी जो लस्ट और उसके बाद एंगर डेवलप होती है, और एंगर के बाद हमारी स्मृति खत्म हो जाती है, इट रियली एजिटेट्स। अगर हम न्यूज पेपर उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कितने सारे ऐसे केसेस है जिसमें ये सब कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने कौन से माइंड को फीड कर रहे हैं, हमारे जो एनिमी वाले माइंड है उसको हम फीड करते जा रहे हैं, किसके थ्रू? हमारी सेंसेस के थ्रू। और अगर हम सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब हम अच्छी एसोसिएशन करेंगे, दैट इज, दैट एक्चुअली हेल्प अस टू डू द थिंग्स फॉरवर्ड। क्यों भगवान हमें माइंड को फर्स्ट कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि जब तक हम माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम जो योगा की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हमारी पहली चीज ही कंट्रोल नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? एक्चुअली जो योगा प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अष्टांग योग भी डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज हाउ कैन यू कंट्रोल द माइंड। योगा इज नॉट अबाउट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा इज नॉट अबाउट कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा इज नॉट अबाउट कि हमें कहीं हिमालय पर जाना है, योगा इज नॉट कि किस तरीके से हम जो है एक्सरसाइज अच्छी करें, किस तरीके से हमारी जो सेंसेस है और अच्छी हो जाए, जिसकी वजह से हम सेंस एंजॉयमेंट कर सकते, ये सब चीजें योगा नहीं है। एक्चुअली योगा क्या है? कनेक्शन विद द लॉर्ड, दैट इज अ ट्रू मीनिंग। जो हमारा इंडिविजुअल सोल है, हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हाउ कैन वी कनेक्ट इट विद द योगा। जैसे कि अब नेक्स्ट फिर 8th श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, और अब माइंड को के बारे में बताने के बाद कि जो माइंड है तुम्हारा दुश्मन भी है, माइंड ही तुम्हारा दोस्त है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि किस तरीके से तुम एनैक्ट करते हो। सेंसेस को कंट्रोल रखोगे तो इट इज योर फ्रेंड, सेंसेस कंट्रोल नहीं है तो इट इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी, है ना। सो भगवान क्या कहते हैं 8th श्लोक में कि अ पर्सन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश इन सेल्फ रियलाइजेशन एंड इज कॉल्ड अ योगी व्हेन ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड द वर्च्यू ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड रियलाइजेशन। Such a person is situated in a transcendent and self-control. तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान पहले ही बता रहे हैं कि अगर योगी, योगी के बारे में जानना है तो योगी कौन है, उसका आप कैसे जान पाओगे कि ये परफेक्ट योगी है, या इसको करने से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से वो होगा, उन्होंने कहा कि नॉलेज एक्वायर करने से और रियलाइजेशन के बाद, और उसके बाद क्या सिम्टम्स होंगे कि वो क्या है हर सिचुएशन से अपने आप को ट्रांसजेंडेंट कर लेगा। जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, भगवान क्या कह रहे थे कि आप इस शरीर में रहकर भी इस शरीर से इफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट, यू नो कि हु यू आर एक्चुअली। और उसके बाद क्या कह रहे, ही सीज एवरीथिंग वेदर इट्स अ पेबल स्टोन और अ गोल्ड एज अ सेम। सो चाहे वो कोई भी चीज हो, उस योगी के सामने अगर आप यह रख दोगे, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या उसको एक एक समान देखेगा, है ना। बड़ा अजीब लगता है कि किसी के सामने अगर गोल्ड रख दिया जाए, और गोल्ड की जगह सपोज करो पैसे रख दिए जाए, तो सोचेगा ये पैसा ले लेना चाहिए, करना चाहिए इसके लिए इस्तेमाल। तो क्या कह रहे हैं उस योगी के लिए क्या है, वो ये सब चीजें सम है। इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी है, हमें तो लगता है कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, बट एक बहुत सुंदर स्टोरी है। सनातन गोस्वामी जो कि षट गोस्वामी में से आते हैं, जब हम प्रेयर्स भी करते हैं तो हम उनके बारे में बोलते हैं कि जो वो अनुज है रूप गोस्वामी के। तो वो सनातन गोस्वामी एक बार अपने भजन कुटीर में भजन कर रहे थे, बल्कि अपने भजन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आता है तो उनको बोलता है कि मैंने सुना है आपके पास जो है पारस मनी है। पारस मनी मतलब जिसे टच स्टोन भी बोलते हैं, जिसको कोई भी चीज छुएगी तो वो सोना बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना आपके पास एक पारस मनी है, तो उन्होंने बोला हाँ है, पीछे जो मेरी कुटिया के पीछे ना कूड़ा पड़ा हुआ है, उस कूड़े के अंदर ढूंढ लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे पारसमणि मिल जाएगी, पारसमणि मिल जाएगी। तो कूड़े में से देखता है, कूड़ा है वहां पर, हटाता है और पारसमणि उसको मिल जाती है। फिर एकदम से उसको रियलाइजेशन होती है कि इनके पास पारसमणि है और इन्होंने इसे कूड़े में डाली हुई है, तो यानी कि इनके पास इससे ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट कोई चीज है
जिसकी वजह से इनके लिए पारसमणि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सो फिर वो वापस जाते हैं उसके पास, तो वो बोलते हैं कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने पारसमणि जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितना भी सोना जनरेट कर सकते हैं उसके अंदर, जिससे भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा, तो किस तरीके से आपने इसे, आपके पास क्या और चीज है जिससे आपने इसको कूड़े में फेंका हुआ है। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से मेरे पास जो है हरि नाम है, भगवान का भजन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसकी वजह से ये जो है मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हरि नाम है वो भगवान, जो ये पत्थर है जिसे वो उनके लिए वो पत्थर है, लेकिन अगर बाकी किसी के लिए बोला जाए तो वो पारसमणि मतलब की बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो बोला जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जी ये जो है ये पारसमणि से कहीं 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 ज्यादा गुना बेहतर है। तो भगवान भी यहाँ पर उसी योगी की बात कर रहे हैं कि उस योगी के लिए कोई भी चीज सामने हो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है वो जो उसकी भक्ति है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से उसके सामने कोई भी चीज कोई बड़ी या छोटी नहीं है, उसके लिए क्या है समान है, वो सोना भी एक पत्थर के समान ही है, उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके पास टॉप मोस्ट सोना है, एक्चुअली टॉप मोस्ट गोल्ड है। फिर उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, अ पर्सन इज सेड टू बी स्टिल फर्दर एडवांस व्हेन ही रिगार्ड्स ऑल ऑनेस्ट वेलफिशर फ्रेंड्स एनिमीज एनवियस द पायस द सिनर्स दोज हु आर इनडिफरेंट एंड इंपार्शियल विद द इक्वल माइंड। हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था जिसमें भगवान बता रहे थे कि किस तरीके से जो व्यक्ति है वो हर एक को सम देखता है, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई व्यक्ति हो, पेड़ हो, क्योंकि वो हर किसी के हृदय में भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं जो योगी है उसके लिए कोई दुश्मन या कोई भी है, वो सम हर किसी को सम तरीके से देखता है, उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, उसके लिए सब क्या है, सब समान रूप में है। तो यहाँ पर जो है फिर हम जो है डिस्कस करते, जैसे हमने बोला था कि थर्ड श्लोक में डिस्कस किया था भगवान क्या बताते कि एक स्टेप्स की तरह से है ना, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक योगा लेडर क्या है। जब हम बार बार बात करते हैं कि जैसे हमने मैंने बताया कि कोई एक फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में जाएगा, फिर थर्ड क्लास में जाएगा, फिर फोर्थ क्लास में जाएगा, इस तरीके से एक एक करके वो क्लास में फॉरवर्ड होगा। बट एक्चुअली अगर हम योगा में बात करें तो वो योगा एक्चुअली क्या है, वो स्टेप्स क्या है, तो हम वो डिस्कस करते हैं आज। सो इसमें ये एक योगा लेडर है जिसमें एक स्टेप्स बने हुए हैं किस तरीके से जो है एक व्यक्ति जो है एक एक करके ऊपर जाता है। सो पहले तो एनिमल लाइफ है, एनिमल लाइफ में क्या, वो चार चीजें हैं, सोना, खाना, सोना, मेटिंग और डिफेंडिंग, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। और फिर जब उससे जाते तो फिर क्या आता है, कर्मकांड। कर्मकांड में कर्मकांड मतलब कि वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है और साथ के साथ कुछ ना कुछ जो है कुछ चीजें परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। कि अच्छा, स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जो विवाह का एक यज्ञ होना चाहिए, फिर विवाह यज्ञ हुआ। स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जब मैं कोई नया घर लूँ तो एक उसमें यज्ञ होना चाहिए, ओके वो यज्ञ किया। स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो इस दिन मुझे जो है दान देना चाहिए, अच्छा मैं इस दिन दान दूंगा। तो वो अपना नॉर्मल रूटीन अपनी लाइफ कर रहा है, उसमें ऐसा कुछ भजन वजन नहीं कर रहा भगवान का, बट वो जो है जो स्क्रिप्चर्स में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, रिचुअल्स बताए गए हैं, वो रिचुअल्स को वो परफॉर्म कर रहा है, दैट्स कम अंडर अ कर्मकांड। जिसमें बोलते हैं अच्छा ऐसा करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये दान करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वो दान करोगे, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है जो हमने डिस्कस किया था, निष्काम कर्म योग, जिसमें हम जो है जो अपना जो फल है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक फैक्ट्री चलाती हूँ, मैं फैक्ट्री में सीमेंट की फैक्ट्री है, तो मैंने कहा ओके यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है, तो जो मेरे सीमेंट है मैं उसमें वहां पर जाके उसमें दान कर देता हूँ ताकि वहां पर मंदिर बन जाए। तो मैं अपना क्या कर रही हूँ, जो मेरा रिजल्ट है, मेरा फ्रूट है, वो मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ, या फिर जो भी मैंने सोचा कि चलो ये एक कार्य है ये भगवान के लिए कर देती हूँ, तो वो क्या है, कर्म योग है। फिर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है, उसमें वो स्क्रिप्चर्स को स्टडी करता है ना, जानने की कोशिश करता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से भगवान है, क्या ऑस्टेरिटी इसमें कर सकता हूँ, कितनी मैं तपस्या कर सकता हूँ, कितना मैं चीजों को छोड़ सकता हूँ, उसमें आता है ज्ञान योग। फिर आता है ध्यान योग। ध्यान योग जो कि अब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ध्यान, अष्टांग योग और ध्यान योग, जिसे हम मेडिटेशन भी बोलते हैं।
और टॉप मोस्ट जो है वो आता है भक्ति योग, जिसको हम सातवें चैप्टर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे भक्ति योग और डिटेल में। अभी भी डिस्कस करेंगे बट आगे भी डिस्कस कर सेवन चैप्टर में और डिटेल में भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे। भक्ति योग क्या है, किस तरीके से हम भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो क्या है, वो टॉप मोस्ट लेवल पे है योगा लीडर के। यानी अगर किसी को भक्ति योग में जाना है तो उसे ये सारे लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग पे ना बड़ा। अभी हम जब जानेंगे अष्टांग योग के बारे में तब हमें लगेगा ओहो ये तो बहुत ही मुश्किल है, इतने सारे हम कहाँ आए, किस स्तर पे है, किस स्तर पे नहीं है। लेकिन इस कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने हमें क्या दिया, जैसे अगर अगर मुझे चौथे माले पे जाना है तो मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, पहले मैं पहले माले पे आऊंगी, दूसरे माले पे जाऊंगी, फिर तीसरे माले पे जाऊंगी, फिर चौथे माले पे जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे उसी उसी सोसाइटी के अंदर या उसी बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है तो मैं सीधा ग्राउंड से फोर्थ पे चल जाऊंगी। तो इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए हैं तो उन्होंने हमें एक लेडर दे, उन्होंने हमें एक लिफ्ट दे दिया जिससे हम सीधा भक्ति योग में जा सकते हैं। और भक्ति योग क्या है, बहुत सिंपल, कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यानी कि हम वैष्णव और भगवान की कृपा से जो है बिना किसी स्टेप्स चढ़े हुए सीधा एक लिफ्ट से ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैष्णव और जो आचार्य गण है उनकी कृपा चाहिए, तभी हम जब भी क्लास भी स्टार्ट करते हैं हम उनसे प्रेयर करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं। तो उससे क्या है, हम लोग डायरेक्ट हम भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं अभी। लेकिन हमें लगता है नहीं, अष्टांग योग भी हम कर सकते हैं शायद, लेकिन अभी जब डिस्क्रिप्शन सुनेंगे कृष्ण के बारे में तो हम जानेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग करते भी हैं, और बट हम मुझे मेरी स्थिति ऐसा लगता है कि मेरे लिए शायद वो नहीं बना, मैं तो पता नहीं सोच भी नहीं सकती उस चीज के लिए। सो आगे जो है भगवान फिर बताते हैं जिसमें हम दसवें से हम दसवें श्लोक से जो सत्रहवें श्लोक में है वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से जो भगवान है। अब नाउ हम भगवान एक्चुअली अष्टांग योग की बात करेंगे दसवें श्लोक से, वो बताएंगे किस तरीके से हम जो है कर सकते हैं भक्ति ना, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ना, मेडिटेशन इज एडवांस स्टेट ऑफ, अभी हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा मेडिटेशन यानी जो ध्यान है किस तरीके से बहुत ऊपर का लेवल है किसका, अष्टांग योग का बेसिकली। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि अष्टांग आठ स्टेप्स क्या है इसके, है ना। इसमें पहला क्या, यम ना, यम मतलब कि जो हम जो रिस्ट्रेन करना है, हमें कंट्रोल करनी है चीजें, वो किसके लिए, हमारे बाहर की चीजों के लिए, जिसमें क्या बताया कि अहिंसा है, हमने खाने पे कंट्रोल करना है, सत्य सही सच बोलना है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है कि ये चीजें नहीं खानी, ये चीज जैसे हम बोलते हैं कि सात्विक खाना खाना चाहिए, तामसिक नहीं खाना चाहिए, ये सारी जो चीजें किसमें आती है, यम में आती है। इसके लिए हम बाहर जो बाहर की चीजों के लिए हम इन चीजों को यम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर आती है नियम, नियम क्या है, हमारे इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए, जो हमारा अंदर है, जिसमें क्या है कि हमें सत्य बोलना है, हमें ऑस्टेरिटी करनी है, हमें तपस्या करनी है, हमें सरेंडर करना है, ये सारे किसमें आता था, नियम के अंदर आते हैं। फिर आता है आसन, है ना, अगर हम आसन की बात करें जैसे 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 हम हठ योगा भी बोलते हैं आसन, जैसे हम अलग अलग तरीके के आसन है उसके अंदर, तो आसन में हम क्या, अगर आप देखें बेसिकली आसन में क्या करें, हम बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करें ना, कि सिर पे खड़े होकर या फिर हाथ एक जो वृक्ष रूप में खड़े होकर या हाथ ऊपर करके, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी की बैलेंसिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है प्राणायाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम में बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं, एक होता है एक्सहेल, इनहेल और आपका एक रिटेंशन। एग्जाम्पल की बाहर सांस हम बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं और सांस रोकते हैं ना, तो जो जो प्राणायाम है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है
योगी लोग अपने सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और सांस को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिससे माइंड का मतलब क्या है, माइंड में क्या है, हमारे माइंड में वेव्स आती हैं, जिसे चित्त वृत्ति बोलते हैं। चित्त वृत्ति मतलब कि एक वेव्स, लहरें आती हैं ना। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे तो हमारे दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं सबको अभी बोलूं कि आप सब आंखें बंद करें, तो सब सोचेंगे ये इसने आंखें बंद क्यों करवाई, अच्छा मैं आंखें बंद करके क्या करूंगा, कब ये आंखें खोलने के लिए करेंगे। तो ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या है, ये एक तरीके की जो है जो वेव्स हैं वो आती हैं। और जब प्राण, जब हम तो बोल रहे हैं रिटेन करना, जो हम सांस को कंट्रोल करने की बात करते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें थॉट्स ना आए। बाय तभी बोला जाता है कि अगर जैसे यहाँ पर हमारे योगा टीचर भी, उनको बताया कि हम जब भी सांस रोकने के लिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं फोकस, है ना, फोकस करो, सो दैट आपका माइंड जो है इधर उधर भागे ना, उसको वापस आने की कोशिश करो, फोकस करो। सो योगी उसमें क्या करते हैं, और बहुत सारे जो योगी हैं इतना कंट्रोल करते हैं कि वो महीनों महीनों सांस भी नहीं लेते हैं, इतना ज्यादा कंट्रोल। आपने देखा होगा आई थिंक डिस्कवरी या बहुत सारे चैनल्स में दिखाते हैं कि किसी को एक बॉक्स में बंद कर दिया, फिर उनको पानी में डाल दिया, और फिर दो चार घंटे बाद उन्होंने निकाला, ही इज स्टिल फाइन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना, ही नोज हाउ टू कंट्रोल द ब्रेथ। वो महीनों महीनों जो है सांस नहीं लेते हैं, इतना बल्कि इतना हाई लेवल पे प्राणायाम के पहुंच जाते हैं कि वो अपनी सांस रोक के रख सकते हैं। अभी तो शायद हम लोग मैक्सिमम एक मिनट तक सांस रोक पाएंगे, मेरी कंडीशन तो शायद यही होगी, एक मैक्सिमम एक मिनट तक मैं रोक पाऊंगी, बट वो लोग क्या महीनों महीनों तक सांस रोकते हैं। दैट इज अ प्राणायाम, जिसमें वो सांस रोक के जो है अपने माइंड को एक्चुअली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर उसका आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में भी क्या है, आप जो अपने सेंसेस को, क्योंकि आपने अब आप बॉडी को कंट्रोल भी कर लिया, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर लिया, अब जो आप एक्सटर्नल सेंसेस है उसको विड्रॉ करते हैं, यानी कि अपने एक्सटर्नल सेंसेस को इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं प्रत्याहार में। धरना क्या है, धरना जो है इनिशियल स्टेट है मेडिटेशन की, है ना, जो ध्यान है उसकी इनिशियल स्टेट है, ध्यान करने की स्टार्टिंग पोजीशन है। जब ध्यान करते करते परफेक्ट हो जाते हैं, दैट इज अ मेडिटेशन। और लास्ट क्या है, समाधि। समाधि में क्या है, एक्चुअली जो समाधि में व्यक्ति है वो अपने हृदय में जो है परमात्मा को देख पाता है, कृष्णा को देख पाता है, सुपर सोल को देख पाता है, दैट इज अ स्टेज ऑफ समाधि। तो उसके लिए क्या है, हमें ये 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें हृदय में जो है परमात्मा को देखना है। और इसके लिए जो सतयुग में था वो लोग कितने 60-70 साल जो है जो इसका इस प्रोसेस को फॉलो करते थे और फिर समाधि में लाते थे। जैसे हमने बोला कि ब्रीदिंग कंट्रोल, तो जो अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि ध्रुव महाराज की स्टोरी आती है जिसमें वो अपनी जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल करते हैं, वो सांस लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसी तरीके से हिरण्यकश्यप का भी वर्णन आता है जिसमें वो है वो अपनी पूरी जो ब्रीदिंग है वो पूरी कंट्रोल कर लेता है। तो और फिर जो बिल्कुल लास्ट जो है समाधि एक्चुअली वो क्या है, जिसमें जो है तो व्यक्ति जो है अपने हृदय में जो है परमात्मा को देख पाता है। आसान, थोड़ा सा आसान लग रहा होगा आई थिंक। किस को आसान लग रहा है, आई थिंक आप लोग यस नो लिख सकते हैं, किसको आसान लग रहा है यस लिख सकते हैं कि हाँ हम बहुत आसान है ये करना, है ना। यहाँ पर योगा टीचर वो ना कर रही है तो हम समझ सकते हैं हमारे लिए कितना मुश्किल है अष्टांग योग। अभी हम आगे देखेंगे जब भगवान वर्णन कर रहे हैं हर चीज का कि अष्टांग योग किस तरीके से करना चाहिए, क्या स्थिति होती है, किस पोजिशन पे करते हैं। और फिर जो अर्जुन है वो भी हाथ खड़े कर देता है, नहीं भगवान ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा गेम माइंड का चल रहा है एक्चुअली। माइंड को कंट्रोल करना है आपको, माइंड को स्थित करना है, क्योंकि जैसे ही माइंड कंट्रोल हो जाएगा आपकी सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि अगर मेरा दिमाग कहीं और है और अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है तो मुझे वो नजर नहीं आता है, अच्छा आप वहीं थे, मैंने आपको देखा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कहीं और होता है। यानी कि सारा गेम जो है हमारा माइंड का है, माइंड को कंट्रोल करना है। और जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, और जब इतना इजी प्रोसेस है कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के नाम को सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड बहुत जल्दी तो नहीं बट धीरे 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 जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जैसे हम
बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम फोकस करेंगे अपने माइंड को सुनने में, हमने माइंड को एक ड्यूटी दे दी है ना, वो एक राक्षस की तरह है कि उसको ड्यूटी दे दी है हमने कि अब तुम्हारा काम है सुनना, क्योंकि उसको काम चाहिए है ना। जैसे एक बार शायद हमने स्टोरी डिस्कस करी थी शायद लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेम्बर, कि एक राजा था, उसको एक चिराग मिलता है, उसमें से वो रगड़ता है तो उसमें जिन निकलता है। जिन बोलता है कि मैं आपका सारा काम करूंगा, जो आप काम बोलोगे मैं आपका काम करूंगा, आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। तो राजा बोलता है ठीक है बताओ, कह रहे कि जब आप मुझे काम नहीं दोगे तो जो मैंने काम किया होगा उसको सारा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा मैं। तो कहता ठीक है, बट वो उसको एक काम बोलता है, शायद हमने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस करी थी, एक काम बोलता है फिर दूसरा काम बोलता है, वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो काम जो है ऐसे खत्म कर देता है। तो फिर जब वो अपने अपने जो हायर जो ब्राह्मण है उससे कंसर्न करता है, तो उनको बताता है कि सीढ़ी को ऊपर नीचे चढ़ाना है अपने। तो बोलता है कि जब तक मैं तुझे कुछ काम नहीं दूंगा तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी से नीचे उतरना है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी से नीचे उतरना है। ये हमारा माइंड भी ऐसे ही है, इसको अगर हम काम नहीं देंगे तो ये जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, जैसे हमारा एनिमी बन जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही चीज है कि अगर हम माइंड को अपने काम में नहीं लगाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो सबसे अच्छी वो सीढ़ी क्या है एक्चुअली, जिसमें हम ऊपर नीचे जाते हैं, वो हमारी माला है, भगवान के नाम का जप है। जैसे हम ऊपर नीचे जब अप एंड डाउन करवाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल्ड रहता है एक्चुअली। तो क्या है, जब भी हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उस जो माला है एक्चुअली, माला हमारे बहुत हेल्प करती है जो हमारे माइंड को फोकस करने में, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे हाथ में एक चीज है जिसमें हम फोकस करना है, वो एक सीढ़ी है हमारी ना, ऊपर नीचे उसको चढ़ाने के लिए, और साथ में काम क्या दिया, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब ट्राई कीजिए, जो नहीं करते जप जो है आप जप करना शुरू कीजिए, आप देखिए एक्चुअली जो है वो माइंड जो है बहुत कंट्रोल रहता है, और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया ना कि जो सेंसेस है वो कंट्रोल हो जाती है, और सेंसेस कंट्रोल होने से जो हमारी जो लस्ट है, एंगर है, ऐसा नहीं है कि एकदम से, बट कुछ ना कुछ आपको धीरे 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 अपने में चेंजेस नजर आते हैं। मैंने बहुत चेंजेस देखे अपने अंदर इसको करने के बाद, मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, आता है अभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गया, आता है बट बहुत कम आता है, और बहुत बार जो है मुझे ऐसी चीजें याद आती हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जानी है, जो मुझे हेल्प करती है उस चीज को कंट्रोल करने में एक्चुअली। तो जब हम, और फिर जब हम माला भी करते हैं, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो एक्चुअली जो है हमारी जो सारी सेंसेस, जब आप कभी कोशिश कीजिएगा, जैसे हम मैं शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर, आप कहीं बैठिए, थोड़ा सा लाउड कीर्तन लगाइए और उस पे फोकस करेंगे, देन यू रियलाइजेस कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप बिल्कुल जैसे बोल रहे ना विड्रॉ कर लेते सेंसेस। तो दैट एक्चुअली दिस जो भगवान का नाम है, जो हरि नाम है, वो हमें हेल्प करता है। अष्टांग योग पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब हमें भगवान ने सबसे ऊपर जाने का रास्ता बता दिया है तो वाई टू टेक दीज डिफिकल्ट स्टेप्स एक्चुअली। सो हम आगे जानते हैं किस तरीके से जो भगवान है बता रहे कि जो क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है उसके लिए, जैसे 8 और 11 से 12 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है इस अष्टांग योग की। सो क्या बता रहे हैं कि वन शुड गो टू द सिक्लूडेड प्लेस, कि एक जो शांत जगह है अलग सी, कि जहां पर कोई भी शोर शराबा ना हो, ऐसी अलग सी जगह पे जाना है, और वहां पर क्या करना है, एक कुशाग्रास बिछानी है एक ग्राउंड पे, मतलब कि सतह पर जो फ्लैट जगह है वहां पर बिछानी है। उसके बाद जो है आपको डियर स्किन चाहिए एंड अ सॉफ्ट क्लोथ, डियर स्किन बिछाकर उसके पे ऊपर एक सॉफ्ट क्लोथ। तो आजकल तो अगर हम जैसे सलमान खान ने देखे एक डियर को मारा था तो बेचारे को इतनी बार जेल जाना पड़ा था, हम करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो और फिर क्या है, फिर द सीट शुड बी नाइदर टू हाई नॉर लो, तो ऐसी जगह ढूंढनी है जो 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 जैसे ग्राउंड है जो बहुत ऊंची जगह पर भी ना हो और बहुत नीची जगह पे ना हो, एक मीडियम जगह पर हो, एंड शुड सिचुएट इन अ स्केयर्ड प्लेस, और जो वो जगह होनी चाहिए बिल्कुल शांत होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, एंड द योगी शुड देन सिट इट वेरी फर्मली, है ना। जिसमें हमने बताया कि जो जो हमारे को जो हमारे आसन है, जो हमारा प्राणायाम है, एक्चुअली हमें जो है वो सिट
प्रॉपरली करने में, फर्मली बैठने में हमें हेल्प करती है। अभी तो हमारा ये हाल है कि हम मेरे साथ तो यही है, एक घंटा बैठेंगे तो बोलेगा एक घंटा में तो टांगे ऐसे हो जाएगी कि भाई कोई कुछ पहले मले टांगे और फिर सीधी होंगी, या तो पैर सो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो यानी कि हम इसीलिए भगवान बता रहे कि ये जो सिट फॉर्मली मतलब कि हमें वो आसनास को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें प्राणायाम को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे हम वो जो सिटिंग पोस्चर है उसको प्रॉपर कर सके। एंड प्रैक्टिस योगा टू प्यूरिफाई द हार्ट बाय कंट्रोलिंग हिज माइंड। तो ये सब क्यों करना है? ये सब ऐसे नहीं करना, शरीर को अच्छा करने के लिए नहीं करना है। भगवान क्या कह रहे हैं, पर्पस क्या है इस सब करने का? एंड प्रैक्टिस योगा टू प्यूरिफाई द हार्ट बाय कंट्रोलिंग हिज माइंड। जैसे हमने बताया कि प्राणायाम का पर्पस क्या है, कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना। जो हम यम की बात कर रहे हैं वो हेल्प क्या कर रही है, यम हमारे को हेल्प कर रही है हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने में, कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे खाना चाहिए, दिन में दो बार खाना चाहिए। तो ये सारी क्या हेल्प कर रही है, ये एक्टिविटीज हमारे सेंस को कंट्रोल करने में हेल्प है। एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट। अभी बताएंगे भगवान की किस तरीके से जो आंखें हैं आधी खुली होनी चाहिए आधी बंद होनी चाहिए, देन ओनली जो है वो फोकस कर सकता है अपने, देन फोकस करते हुए वो अपने आसनों को कंप्लीट कर सकता है। फिर 13 और 14 श्लोक में बता रहे हैं कि वन शुड होल्ड वन बॉडी नेक एंड हेड इरेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्टेयर स्टेडिली एट अ टिप ऑफ अ नोज, दस विद एन अनएजिटेटेड अनसबड्यू माइंड डिवॉइड ऑफ फियर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम अ सेक्स लाइफ, वन शुड मेडिटेट अपॉन मी within the heart and make me the ultimate goal of life। तो भगवान यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको किसी voidism पे focus करना है। भगवान बार बार क्या कर रहे हैं कि focus, you have to focus me in your heart। क्या कह रहे हैं, आपको अपनी neck सीधी रखनी है, आपको जो है आंखें आधी खुली होनी चाहिए, और आपको जो है nose tip पे focus करना है, और उसका result भी बता रहे हैं भगवान कि ये सब करने से result क्या मिलेगा। That person will become unagitated। हम actually हर कंडीशन में इसीलिए परेशान है कि हम छोटी छोटी चीज पे एजिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। एंड डिवॉइड ऑफ फियर, आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा फियर क्या है, दैट इज अ कोविड। कितना बड़ा फियर है हमारे माइंड्स के अंदर, सबके अंदर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप मेरे ऊपर मेडिटेट करते हो तो इस फियर को एक्चुअली जो है जो इस फियर को से दूर हो सकते हो, जिसे बोलता है अभय बन सकते हो। अभय मतलब जिसे कोई भी डर नहीं है, भय नहीं है किसी भी, वो अभय बन सकते हो आप। तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि किस तरीके से जो है सिर्फ हरि नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से कोई इंसान अभय बन सकता है। जो अभी तो रशियन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिचुएशन काफी बेटर है, अब जो है वो जो रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट 50 ईयर्स बैक, मे बी 30-40 ईयर्स बैक ऑल्सो, तो वो वहां पर बैन था कि आप कोई भी रिचुअलिस्टिक वर्क नहीं कर सकते हो, आप कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, बैन था। कैन यू इमेजिन कि आप भक्ति नहीं कर सकते, बैन है। तो वहां पर जब प्रभुपाद गए तो वहां पर एक प्रभुपाद एक व्यक्ति से मिले, प्रभुपाद ने उनको भक्ति मार्ग के बारे में बताया, उन्होंने भक्ति करनी शुरू करी। आपने आज तक ये सुना होगा कि जो है स्मगलिंग होती है, किस चीज की स्मगलिंग होती है, सोने की, ड्रग्स की, है ना, और जो भी वैल्यूएबल चीजें उसकी स्मगलिंग होती है, जो भी एंटीक्स है उसकी स्मगलिंग होती है। तो रशिया में वो भगवद गीता की स्मगलिंग करवाते थे। कैन यू इमेजिन दैट वन, दे यूज टू स्मगल व्हाट, भगवद गीता। और जैसे 4-5 डिवोटीज थे, जैसे हमारे पास ये एक बुक है, कंप्लीट बुक है, हम अपने घर पे रख सकते हैं आराम से, बुक दे कांट कीप इट, दे यूज टू टियर ऑफ इन चैप्टर्स और सर्कुलेट करते थे। एक भगवद गीता स्मगल करी तो उसे सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया, उसको फिर छुप छुप के एक दूसरे से सर्कुलेट करते थे। अच्छा तुमने ये चैप्टर पढ़ दिया, गिव इट टू मी, आई विल गिव इट टू यू। आपने शायद बचपन में क्या हुआ, हम करते थे कभी कभी बचपन में जो कॉमिक्स पढ़ने के लिए, है ना, अच्छा तुमने ये कॉमिक पढ़ लिया, गिव इट टू मी, आई विल गिव इट टू यू, माय कॉमिक विल एक्सचेंज, ही यूज्ड टू डू विद द भगवद गीता। कैन यू थिंक अबाउट कि हाउ कन्विक्शन दे आर, हाउ फियरलेस दे वर, कि कुछ भी हो जाए हमें भगवान के बारे में और जानना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि वो उस ऊंचे स्तर पे पहुंच गए थे, भक्ति मतलब टॉप मोस्ट योगी, टॉप मोस्ट चीज,
और वो उस वक्त उनको और उनको जेल में डाल दिया गया, वो हरिनाम करना शुरू किया उन्होंने सड़कों पर, उनको उनकी पिटाई होती थी बट फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर उनको जेल में बांध दिया गया। फिर जो एक व्यक्ति था उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था, और वो लोग क्या करते थे डिवोटीज लोग, वेरी इंटरेस्टिंग, देयर इज वेरी नाइस बुक ऑल्सो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्टेड ब्रेड, जिसके अंदर ये पूरी जो लाइफ स्टोरी है रशियन डिवोटीज की उसमें है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे भगवान जो ये कह रहे हैं कि जब हम एक योगी के टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो योगी परफेक्ट योगी बन जाता है, दैट बिकम पर्सन विल बिकम अभय, वो जो है उसके अंदर फियर नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा अल्टीमेट गोल मुझे मिल चुका है, आई एम विद द कृष्ण, आई एम विद द लॉर्ड एंड लॉर्ड इज विद मी ऑलवेज। सो उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था, उनके पास कुछ नहीं होता था, उनके पास आरती वारती करने के लिए कोई पैराफिल्ना नहीं होता था, बट वो फिर भी करते थे कि ये भगवान की फोटो हमारे सामने, इमेजिन करते फोटो हमारे सामने है, अच्छा अब ये टाइम हो गया हम आरती करेंगे, अब ये हो गया हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, अब अच्छा ये टाइम होगा हम भागवत गीता पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं था, बट वो फिर भी वो सब चीजें करते थे, जिसको जितना ज्ञान था वो एक दूसरे के साथ जेल के अंदर शेयर किया करते थे। तो वो लोग जो जेलर थे वो बोलते थे ये सारे के सारे पागल हो गए हैं, कि क्या करते रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, देन दे आर डूइंग आरती, दे आर डूइंग कीर्तन, दे आर डूइंग एवरीथिंग। और उनको जप करने के लिए माला नहीं दी जाती थी, तो जो उनको ब्रेड दी जाती थी वो बहुत ड्राई होती थी, खाने योग्य नहीं थी, तो सो और ड्राई करके जो है उसकी माला बनाते थे, 108 मन की बनाते थे, और उस पे हरिनाम का जप करते थे। कैन यू थिंक अबाउट कि कितनी कन्विक्शन थी और कितने फियरलेस थे कि हमें जप करना ही करना है, हमें भगवान का नाम लेना ही लेना है, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि ये सब ये जो चीज है वो टॉप मोस्ट है, एंड दे बिकम रियली फियरलेस। क्योंकि हमें शायद लगता है कभी कभी कि ये सब जो है ना किताबी बातें हैं, ये किताब में ही पॉसिबल है, कि हम कैसे हम फियरलेस बन सकते हैं, या फिर हम जो दिखाते हैं वो कौन सी आ जाती है, थम्स अप की है ना, थम्स अप ऑफ ड्यू की डर के आगे जीत है ऐसे करके बोलते हैं, बट एक्चुअली जो हमारी जीत है डर हमें तभी क्रॉस कर पाएंगे जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, तब तक हम इस डर को भगा नहीं सकते हैं एक्चुअली में। तो ये एक एग्जाम्पल में जो मैंने जब सुना था, इट्स रियली गिव यू गूज़बम्प्स कि ऐसे भी ऐसा भी होता है। और वो लोग हिंदुस्तान में जन्मे नहीं थे, उनको कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको जब शीला प्रभुपाद के थ्रू पता चला कि उनकी इतनी कन्विक्शन बढ़ गई कि हमें यही करना है एक्चुअली, ये दिस इज द टॉप मोस्ट, और उनको उनकी वजह से इतना स्ट्रगल की वजह से नाउ वी हैव इस्कॉन के टेम्पल्स है वहां पर, बहुत सुंदर सुंदर वहां पर रथ यात्रा भी निकलती है, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सब कुछ करते हैं अब नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बट इनिशियली दे हैव टू स्ट्रगल। हम नहीं सब इमेजिन कर पाते क्योंकि हमने तो बचपन से जो है मंदिर में भगवान देखे, हम बचपन से भगवान के बारे में किसी ना किसी तरीके से हम स्वरूप में हम सुनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भगवान का कह रहे हैं कि उनके सिम्टम्स क्या है कि वो जो है भय मुक्त हो जाते हैं, और कब होते हैं, वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। फिर जो है भगवान बताते हैं किस तरीके से कि जब आपने गोल का मतलब क्या, जैसे हम बोल रहे हैं कि अष्टांग योग में जो समाधि है, समाधि में जाने के बाद जो पर्सन है वो भगवान को अपने हृदय में देख सकता है, और भगवान क्या कह रहे हैं उसका गोल क्या है, वो उसको देखने का गोल क्या है, टू अटेन अटेनमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड बाय द सीजेशन ऑफ मटीरियल एसेंस। तो उसका गोल बता रहे हैं भगवान, अष्टांग योग का गोल क्या है कि भगवान के किंगडम को अचीव करना, भगवान का जो भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको अचीव करना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे और फिर हम जो है आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में जो है भगवान 15 इसी भगवद गीता के 15.6 श्लोक में बताते हैं कि ऐसी जगह है जहां पर कोई सूरज चंद्रमा की और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, रोशनी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है भगवान के शरीर की कांति से इतनी ज्यादा रोशनी है कि ना कोई सूरज की जरूरत है, ना ही जो है कोई चंद्रमा और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और जो है ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं भगवान की ब्रह्म संहिता में, वहां पर भी भगवान से वो प्रेयर करते हैं और बोलते हैं कि आई विश गोविंदा द प्रिमल रॉड रिसाइड इज ओन रिलेम गोलोक, बताते हैं कि गोलोक जो है भगवान का धाम है,
तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम टॉप जो जो व्यक्ति जो अष्टांग योग के टॉप मोस्ट लेवल समाधि पे अचीव कर देगा तो उसको क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, ही अचीव अटेन्स द किंगडम ऑफ द गॉड बाय सीजेशन. सो दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग. और जैसे हमने बात करी कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम उस टॉप मोस्ट लेवल पर डायरेक्ट जो है एक लिफ्ट से जो है हम जा सकते हैं. सो हम आगे और जानेंगे कि इस तरीके से जो इसी अष्टांग योग में और क्या क्या करना है. जैसे भगवान 16वें और 17वें अध्याय श्लोक में बता रहे हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग योगी. और अर्जुना इफ वन ईट्स ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ, ही हूज रेगुलेट्स हिज हैबिट ऑफ ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट्स ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा सिस्टम. तो यहाँ पर बता रहे हैं जिसमें बताया ना कि वो ज्यादा ना तो खाता है ना कम खाता है, वो सिर्फ कंट्रोल्ड खाता है. तो इस तरीके से जो भगवान है एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अब हम आगे और जानेंगे अष्टांग योग के बारे में कि क्या क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है और उसके बारे में सॉरी और डीप में जानेंगे कल जानेंगे. और फिर लास्ट में जब जानेंगे कि भगवान जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्लोज कर दिया है कि जो टॉप मोस्ट योगी है भक्ति है, बट वो हम भक्ति कितने आसानी से और कर सकते हैं वो भगवान खुद बताएंगे जो हम लास्ट के श्लोक डिस्कस करेंगे 6th chapter के. तो किसी का कोई प्रश्न कोई और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हरे कृष्ण. यस माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कोई और किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, क्योंकि मैं वेट कर रही थी चुप करके रह के, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक नहीं होता है, 3-4 होता है. इसलिए आई वाज थिंकिंग वुड लाइक टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, दे कैन आस्क मी. सो ओके, नो प्रॉब्लम माता जी. आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम बाकी क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आखिर में आपके क्वेश्चन फिर से ले लेंगे हम लोग. हरे कृष्णा. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. यस माता जी. योगी जो है वो काम करते, आपने बोला कि योगी जो है वो काम करते करते हुए भी बन सकते हैं. यस माता. हरे कृष्ण माता जी, कैन यू गेट मी? यस माता जी. योगी जो है काम करते करते हुए बन सकते हैं. तो अगर आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु, बुद्धा, इन सभी लोगों ने सन्यासा ही लास्ट में तो सन्यासा ही लिया था ना, सन्यास मतलब रिनन्सिएशन ही किया था. तो वो क्यों नहीं संसार में रहकर उन्होंने योगी बने, उन्होंने क्यों अपना घर संसार छोड़ा, अपने वाइफ को छोड़ा. इवन इन फैक्ट इफ यू ऑफ कोर्स यू नो प्रभुपाद, उन्होंने वो भी संसार मतलब वो भी वर्ल्डली इंसान थे, उनके भी गृहस्थी था, उन्होंने भी छोड़ा लास्ट में, उन्होंने भी छोड़ा. तो लास्ट क्वेश्चन है. यस माता जी. व्हेन वी टॉक अबाउट जैसे हम आप कह रहे हो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में, सो दे आर द लीडर्स. जैसे जिससे हमने डिस्कस किया था 3rd chapter में भी भगवान बताते हैं कि जो लीडर्स करते हैं उनको जनरली फॉलो करते हैं. जो जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं जैसे, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोग उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे उस टाइम पर. तो उसके लिए सॉरी नॉइज इज कमिंग. तो उस टाइम पर उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे कि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी. तब उनको ये लगा कि जब तक, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने आए थे, भगवान के भक्त के रूप में आए थे और उनको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे चीजें बतानी थी, इसलिए भगवान को लगा कि जब तक मैं सन्यास नहीं लूंगा तब तक ये मैसेज मैं स्प्रेड नहीं कर सकता हूं. तो इसीलिए उन्होंने सन्यास लिया था. लेकिन उनके जो साथ में नित्यानंद महाप्रभु थे जो कि बलराम के इंकारनेशन थे, उन्होंने उन्होंने संन्यास नहीं लिया. वो ग्रस्ता में थे, उनके वाइफ थी,
उन्होंने भी भगवान के नाम का प्रचार किया। तो इस तरीके से भगवान ने इस लीला के अंदर दोनों ही तरीके से जो है बताया कि दोनों ही चीजों से भगवान के नाम का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ये भी बताना चाहता था कि किसी भी सिचुएशन में जो है हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोई एक संन्यास लेगा तो ही वो भक्ति कर सकता है, वो किसी भी सिचुएशन में भक्ति कर सकता है, ये उस लीला से दिखाया था। इसी तरीके से शिला प्रभुपाद की हम लाइफ में देखते हैं तो प्रभुपाद ने जो है इसी रीजन की वजह से कि हाँ भगवान के नाम का प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन दिया, लेकिन एज अ संन्यास उन्होंने जो है जब वो प्रचार करना लगे उन्होंने देखा कि वहां पर जो है मिंगलिंग गर्ल्स और बॉयज की बहुत ईजी है। उन्होंने फर्स्ट स्टेप यही बोला कि आप लोगों को अगर साथ में रहना है तो आपको शादी करनी पड़ेगी। सन्यासी होते हुए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो आप सब लोग सन्यासी बन जाइए, उन्होंने उन लोगों की शादी भी करवाई। तो अगर उनको लगता कि ये सारे को सब सन्यासी बनाना उनके लिए, तो उस टाइम बोलना बहुत आसान था, चलो कुछ छोड़ दो। वो ऑलरेडी अपने लाइफ अपने जो जो उनके अपने फैमिली थी छोड़ चुके थे, उनके लिए तो और आसान था छोड़ना। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा, उन लोगों की प्रभुपाद ने खुद शादी करवाई। लेकिन जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उन लोगों को टू फॉलो सो दैट वो जो इम्पैक्ट है बाकी लोगों पे और अच्छा पड़े, देन दे हैव टेक दोस थिंग्स। बट ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि संन्यास लेकर ही जो है वो भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्णा। किस कोई और कुछ शेयर करना चाहता है या क्वेश्चन पूछना चाहता है? आई नो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम लोग कभी भी उस चीज के बारे में सोचते नहीं है, उस चीज के बारे में जानते नहीं है, लेकिन भगवान जो है वो बताना चाहते हैं, हर तरीके से बताना चाहते हैं कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान में अंत में फिर भक्ति के बारे में बताएंगे। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कर्म करते हुए कैसे योगी बन सकते हैं, थोड़ा सा इसे डिटेल में बताएंगे? यस माता जी। कर्म करते हुए जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन हम जब कुकिंग कर रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि ये जो है ये मैं भगवान के भोग के लिए बना रही हूँ, भगवान जब इसे खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा भगवान को ये चीज अच्छी लगती है तो मैं ये चीज बनाती हूँ। तो अब मैं कर क्या रही हूँ, बना तो मैं खाना ले रही हूँ लेकिन मैं मेडिटेट किस पे कर रही हूँ, भगवान के ऊपर मेडिटेट कर रही हूँ। मैं कर्म अपना कर रही हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी करते हुए कैसे कर रही हूँ, भगवान पे मेडिटेट कर रही हूँ। तो हो गया ना आपका ध्यान योग, जो जिस ध्यान योग की बात कर रहे थे कि आप ध्यान योग में क्या कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो किस पे, भगवान के ऊपर। तो ये भी एक ध्यान योग हो गया कि आप कुकिंग करते हो भगवान का ही ध्यान कर रहे हो, है ना माता जी। कुकिंग तक तो समझ में आता है लेकिन हम और इतने सारे काम करते हैं घर में, लेकिन वो सब चीजें तो समझ में नहीं आती ना कि हम भगवान के लिए हमें धीरे धीरे। यस माता जी, धीरे धीरे हमें ट्रेंड करना है कि ये जो घर है ये भगवान का दिया हुआ घर है, जो हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं वो भगवान ने मुझे दिए एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि मैं इनका अच्छे से ध्यान रख पाऊं और अपने बच्चे और इन सबको हेल्प कर सकूं, ताकि ये लोग भी जो है भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो जब हम ये भी करेंगे तो क्या कर रहे हैं, हम सेवा ही कर रहे हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपना घर भी क्लीन कर रही हूँ तो मैं सोच रही कि नहीं है कि भगवान का घर है और इसको साफ रखना है, भगवान को सफाई बहुत पसंद है, क्लीनिनेस बहुत पसंद है, तो मैं इसको साफ रखूंगी तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी थॉट से मैं जो है क्लीनिंग कर रही हूँ। कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो इसी माध्यम से, जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है वो यही सोच रहा है कि जब मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, बहुत अच्छी सिचुएशन पे जाऊंगा, तो मैं और लोगों को भगवान के नाम का प्रचार कर पाऊंगा, और लोगों को भगवान के साथ जोड़ पाऊंगा, तो मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो उस माध्यम से वो पढ़ाई करता है। कोई संगीत सीख रहा है तो वो इसी से कि चलो मैंने संगीत सीखा है तो मैं किस तरीके से जो है मैं जब इंस्ट्रूमेंट जो है या जो भी सीख रहा हूँ उसके लिए भगवान का गुणगान करूंगा। मैं जॉब पे जा रही हूँ तो मैं ये सोच के जा रही हूँ कि इसलिए जा रही हूँ ताकि जो मैं लक्ष्मी लेके आऊँ मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकूँ, मेरे घर में जो भगवान के भक्त आएंगे उनको मैं सर्व कर सकूं, मैं भगवान का जो मंदिर है उसको सर्व कर सकूं, भगवान के जो फेस्टिवल्स है उनको सर्व कर सकूं, उसके लिए मुझे लक्ष्मी अर्जित करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे जॉब पे जाना है। तो मैंने क्या किया, हर चीज को मुझे प्रभुपाद ने बहुत आसान माध्यम दिया है कि हर चीज में जो है हम भगवान से जोड़ रहे हैं। इवन जो हम खा रहे हैं, जब हम खाते तो हम क्या बोलते हैं, हम एक प्रेयर करते हैं महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रसाद है ये भगवान है, स्वयं भगवान है और हम भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं और भगवान ने हमें कृपा करी है अपने स्वाद, अपनी जीवा जो है लोभमय सदुर्मति, जीवा जो है लोभी है इतनी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए भगवान ने मुझे कृपा करी है।
इसलिए जो मैं इसका इसको ग्रहण कर रही हूँ, इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझ पर कृपा की है। तो अगेन मैं खाना खाते हुए भी क्या कर रही हूँ, भगवान पे ही मेडिटेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे, हम हर चीज को जो है भगवान से आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम सातवें अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भगवान बताते हैं कि मैं हर चीज में हूँ। इवन आप पानी पी रहे हो, सपोज करो आपने 2-3-4 घंटे से पानी नहीं पिया और आप पानी पीते, तो कितना ऐसा लगता है कि पानी, कोई बोलेगा नहीं ये पी लो वो पी लो, हम बोले नहीं पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, पानी में जो टेस्ट हूँ वो मैं हूँ। जब हम पानी पीते हम क्या सोच सकते, ओ भगवान ने कितना इतनी अच्छी चीज बनाई है। तो अगेन हम वो पानी पीते हुए भगवान से जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम हर चीज को करते हुए भगवान से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो भक्ति है यही होता रही है कि हम किस तरीके से हम टॉप मोस्ट योगी बन सकते हैं। बट यस, उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हमने बोला भक्तों का संग चाहिए। जब हम जो बहुत प्योर भक्त है उनका एसोसिएशन करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सब हम कर सकते हैं। तो मुझे कैसे पता चला, मैंने प्रभुपाद, हमने जो सीनियर्स हैं उनको सुना। प्रभुपाद स्वयं एक बार बता रहे थे कि किस तरीके से हम पानी पीते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। कितना आसान है ना भगवान को याद करना, पानी पी रहे हैं भगवान को याद कर रहे हैं, सो इजी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कोई और कुछ पूछना चाहता है? ये माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे यस माता जी पूछ लूं। यस माता जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक जगह आपने बोला था कि जो आत्मा है, आपने अभी मतलब इसी क्लास में अभी आपने बोला था जो आत्मा है वो माइंड बॉडी सोल। यस माता जी, लेकिन आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे है ना। आत्मा नहीं, जो वो, है वो माता जी यस आत्म, इसमें आत्म वर्ड है बेसिकली, करने के बाद आत्मा। यस माता जी, बट जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है, जैसे बता रहे थे कि जो संस्कृत डिक्शनरी में है जो हम आत्मा लिखते हैं उसमें आत्म वर्ड का तीनों मतलब दिया हुआ है, बॉडी माइंड एंड सोल। बट इसीलिए प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो है आत्मा वर्ड का वो मतलब सोल नहीं है, यहाँ पर आत्मा का मतलब है जो माइंड के बारे में। नहीं तो हम कैसे बोलेंगे आत्मा ही हमारी दुश्मन, आत्मा ही हमारी वो है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आत्मा का वर्ड है वो मतलब है माइंड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। माता जी It is on the basis of level of understanding. Hare Krishna. I think Mataji ka disconnect ho gaya. So agar kisi ka koi aur prashn hai to hum le sakte hain, nahi to hum kal milenge fir aage aur janne ke liye dhyan yog ke bare mein. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। टू श्रील प्रभुपाद नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवता श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।